नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, ए के वाई कंस्ट्रक्शन में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज देखिए हम स्टील गटर के बारे में अपने सर से सारी जानकारी आपके बारे में बताएंगे। स्टील गटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए हमारे सर के द्वारा बताया जा रहा है, आप सुनिए। ये हमारा स्टील गटर है। स्टील गटर हमारा तीन पार्ट में आता है, किसी भी खंडे में मतलब है तीन पार्ट में। जैसे मेरे 30 मीटर 868 का स्पॉन है, तो हमारा जो है तीन खंड में है। पहला जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमारा सबसे लंबा होता है, लॉन्ग होता है। ये हमारा मिड पॉइंट जो है 11 मीटर कुछ 900 का कुछ का है। तो ये मिड पॉइंट जो हमारा, ये मिड पॉइंट से हमारा 50 mm का कर्व दिया, स्लोप दिया है एंड पोर्शन पे। तो मैं मिड पॉइंट को हमेशा जो है 75 से 70 mm पैकिंग डाल को हाइट पे रखते हैं, और मिड पोर्शन को रखने के लिए वाटर लेवल या अपना वाटर लेवल से दोनों को छोर को वाटर लेवल में करते हैं। फिर अपना जो अगला एंड पोर्शन होता है, एंड पोर्शन को उठा के एक अपना उधर अपना स्टैंड में स्टैंड पे रख के इसको मिड पोर्शन को स्लोप में, इससे मतलब इससे 50 से 60 mm डाउन रखते हैं। अगर 75 mm अगर आप हाइट कर रहे तो इसको मतलब उसको 75 mm डाउन रखेंगे। फिर अपना उस मिड पोर्शन से हाइटा से जो पूछ करके, ये हमारा लैप जॉइंट होता है, इस लैप जॉइंट में लैप जॉइंट भी ला के सटाते हैं। और हमारा जब होल मैच हो जाता है तो होल बारी डाल के ये अपना बोल्टिंग करते हैं। और बोल्टिंग पे विशेष ध्यान क्या करते हैं, मेरा दो प्रकार के ये वार्सल होते हैं। एक हमारा होता है प्लेन वाइसर होता है, एक होता है हमारा एक प्लेन वाइसर, एक DB2H वाइसर होता है। तो हम जब टार्क वैल्यू, जैसे हमारा फाइनल अगर बोल्ट का टार्क वैल्यू चेक किए देते हैं, तो हमारा जो प्लेन वाइसर है, प्लेन वाइसर जहां हम रिंच लगाएंगे फाइनल टच के लिए, प्लेन वाइसर वहां पे लगाते हैं। फाइनल टच चाहे नट से दें चाहे बोल्ट से, वो हमारा जहां फाइनल टचिंग देंगे वहां पे हम अपना प्लेन वाइसर हमेशा यूज करते हैं। और स्टील कटर में और कोई विशेष जानकारी नहीं, और अपना लाइन लेबल एक बार चेक कर लेते हैं, स्लोप को मेंटेन करेंगे तभी ऊपर का मेरा जो सेंटर का ऊपर का टॉप का पोर्शन तभी मिलेगा। अगर स्लोप हमारा मेंटेन नहीं रहेगा तो नीचे हमारा बॉटम में जो बॉटम में गैप बनते चला जाएगा और अपना टॉप में जो चपकता जाएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब दोनों रगड़ रहे हैं, इसलिए स्लोप को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सर हम लोग कर्व कैसे प्रोवाइड करते हैं इसमें? कर्व प्रोवाइड करने के लिए पहले मेरे जो सेंटर का है, सेंटर का अपना सेंटर का 0-0 पे सेट करते हैं। जैसे ये मेरा 75 mm या 70 mm या 0-0, तो इस सेंटर से कर्व प्रोवाइड करने के लिए अपना अगला छोरा जो रहेगा इसको डाउन रखते हैं। डाउन रखते हैं तो डाउन से वो हाइड्रा अपना या किसी मशीनरी से उसको उठा कर रखते हैं, और उठाने के बाद हम जब तक मेरा ये अगर सेंटर स्लोप तो मेरा मेंटेन करके अपना कंपनी से दिया जाता है, उस स्लोप को बस मेरे को यहाँ मैच करना रहता है इरेक्शन के समय। इसके लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रा उठा के अपना ये सटाने के बाद इसको, अगर वो ज़्यादा अगर अपना डाउन पोर्शन में रहेगा तो अपना ऊपर जो ज़्यादा गैप रहेगा उस गैप को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए उसमें कितना पैकिंग देना पड़ता है उस हिसाब से पैकिंग देकर अपना स्लोप मेंटेन कर लेते हैं। सर इसमें कितना का कैम्बर प्रोवाइड किया गया है? इसमें 50 mm का कैम्बर है, मतलब सेंटर से गटर से जो है अपना आउटर गटर का 50 mm का कैम्बर प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए सर, देखिए दोस्तों, हमारे सर जो हैं ये स्टील गर्डर के विशेषज्ञ माने जाते हैं और हमेशा से स्टील गर्डर का लॉन्चिंग करवाते रहते हैं, इरेक्शन करवाते रहते हैं। तो इनके द्वारा हम आपको सभी जानकारी दे दिए। अगर आपको कोई भी जानकारी में कमी लगती है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम फिर इनसे अगली वीडियो में आपको इनके साथ मिलाएँगे, किसी और सर के साथ मिलाएँगे। जय हिंद दोस्तों।